हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सोल फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को बारकोड और रोल नंबर कब मिलेगा। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इसी साल सोल में न्यू एडमिशन लिया है 2023 में। तो आप सभी को पता होगा, जब आप एडमिशन लेते हो तो पहले तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जाते हैं। जब वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। तब आप जब पेमेंट कर देते हो, पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो आपको तुरंत आपका सोल आईडी कार्ड और फीस स्लिप आपको मिल जाता है। तो एक्चुअली इस बार हो ये रहा है कि जो फीस स्लिप आपको और आईडी कार्ड दिया जा रहा है, उस आईडी कार्ड में आपका एसओएल रोल नंबर की जगह आपका कंट्रोल नंबर दे रखा है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रोल नंबर आ चुका होगा, बट बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको रोल नंबर अभी तक नहीं मिला, सब कंट्रोल नंबर दिया गया है। इसके अलावा एसओएल का रोल नंबर प्लस एक बारकोड और होता है, और ये जो बारकोड नंबर होता है ये आपका जो स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है, एसओएल का एक स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है, उसको लॉगिन करने के लिए इसका यूज होता है, एसओएल रोल नंबर का और बारकोड का, जो कि अभी आपके आईडी कार्ड में ये दोनों चीज़ें मिसिंग है। तो आज की वीडियो होने वाली है कि ये बारकोड और एसओएल रोल नंबर आपको कब तक मिलेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये बारकोड और रोल नंबर आपको सितंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट कहते हैं ना कि लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए थी, बट लास्ट डेट जो होती है एक्सटेंड हो गई एडमिशन की। और लास्ट डेट एक्सटेंड होके जो एडमिशन की लास्ट डेट 30 अगस्त से एक्सटेंड होके अब 30 सितंबर हो चुके हैं, यानी पूरे महीने इस महीने आपके एडमिशन चलने वाले हैं। अब जो आपको बारकोड और रोल नंबर मिलेगा वो आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगा। अब आप कहोगे सर कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो नंबर आपने रजिस्टर में दिया है, उसी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपका बारकोड प्लस एसओएल रोल नंबर ईमेल के द्वारा, सॉरी एसएमएस के द्वारा भेजा जाएगा। ईमेल के द्वारा मुझे लगता नहीं ईमेल भेजते हैं, वो सब एसएमएस आ जाएगा। एसएमएस में आपका एसओएल रोल नंबर और बारकोड नंबर आपका इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा एक प्रोसीजर और भी वेबसाइट पे आ सकता है कि जिसमें कंट्रोल नंबर डाल के आप अपना सोल रोल नंबर बारकोड नंबर पता लगा सकते हो। फिलहाल अभी वो फैसिलिटी नहीं है, तो अक्टूबर तक वेट कर लीजिए, जैसे ही मिलना स्टार्ट होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बिना आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन नहीं कर सकते, आप आधे से ज़्यादा जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते। तो फिलहाल अभी आपको वेट करना होगा, जब तक एडमिशन चल रहे हैं। एडमिशन क्लोज होने के बाद आपको एसओएल रोल नंबर और बारकोड नंबर मिल जाएगा, जैसे मिलना स्टार्ट होगा हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। अब ये चीज़ें अक्टूबर में मिलेगी, अक्टूबर में इसीलिए क्योंकि लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है 30 सितंबर तक, ठीक है। थैंक यू सो मच।